नॉलेज अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। रिसेंटली 24 मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक बहुत नया बदलाव लिया है। वहां पे ऐसा कहा है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप जो यूज कर रहे हो उसमें ऑडिट ट्रेल कंपलसरी है। इससे काफी बड़ा चेंज होगा। अब ये ऑडिट ट्रेल क्या है, क्यों ऐसा चेंज किया, और अगर कंपनी में आपको ये करना है तो आपके लिए क्या इश्यूज है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर की उसमें क्या जिम्मेदारी है, वो सब के बारे में हम आज बात करेंगे ये स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर। कंपनीज अकाउंट्स अमेंडमेंट रूल 2021, उसमें ऐसा कहा है कि आपको मैंडेटरीली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। यानी आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो वहां पे ऑडिट ट्रेल हो तो ही वो सॉफ्टवेयर आपका सही होना। तो क्या फर्स्ट कब से एप्लीकेबल है, सेकंड किसको एप्लीकेबल है। तो पहले बात करते हैं ये कब से एप्लीकेबल है। तो नोटिफिकेशन लिखा है कि 1 अप्रैल 2021, तो अभी जो फ्यू डेज के अंदर जो नया साल आने वाला है उसके में वो डेट से नए साल में 1 अप्रैल 2021 से आपको ये इंश्योर करना है कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप एंट्री पास करते हो उसमें ऑडिट ट्रेल है कि नहीं है। तो आपके पास बहुत कम दिन बाकी है। सेकंड थिंग, किसको एप्लीकेबल है। तो ये हर एक कंपनी को एप्लीकेबल है। कोई भी कंपनी हो, छोटी है मोटी है या प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं है। अगर आप कंपनी है तो आपको हर एक को ये ऑडिट ट्रेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होना कंपलसरी है। तो ये बात करते हैं ये ऑडिट ट्रेल का प्रावधान क्यों आया है और उसका रीजन क्या है। काफी टाइम गवर्नमेंट ने जो ऑब्जर्व किया उसमें ऐसा है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर चेंज एडिटेड। जब ट्रांजेक्शंस होता है वो ट्रांजेक्शंस को काफी टाइम चेंज किया जाता है और वो चेंज करने के पीछे रीजन होता है कोई फ्रॉड का या कुछ अलग तरीके का रीजन होता है जो स्टेक होल्डर्स के लिए, जो बैंकर्स है इन्वेस्टर्स है या जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके लिए सही नहीं है। गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, तो उसके पीछे जो जो चेंजेस हुए अकाउंटिंग के अंदर वो कब हुआ, क्या हुआ, वो सब इंफॉर्मेशन जहां पे रहे उसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट ये था कि जो भी अकाउंटिंग में आप एंट्री कर रहे हो, मिस्टेक हुई, गलती हुई, दिक्कत नहीं है, बट अगर जहां पे गलत चीज को सही किया है, सही को गलत किया है, वो सब चीज है, उसको पकड़ने के लिए ये ऑडिट ट्रेल अगर होगी तो पॉसिबल रहेगा। अब देखते हैं कि रूल 3.1 के अंदर जो आया है उसमें ऐसा लिखा है कि फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 एवरी कंपनी, सब कंपनी को विच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप मैन्युअल अकाउंट देखते हो तो आपके लिए ये इश्यू नहीं है। अभी आज के जमाने में कौन मैन्युअल अकाउंट लिखेगा, मोस्टली हर एक कंपनी के को ये लागू होगा। तो एवरी कंपनी विच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल कंपल्सरीली यूज ओनली सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज अ फीचर ऑफ। आप बताओगे मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ उसमें ये नहीं है, तो आप वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाओगे। आपको वही सॉफ्टवेयर यूज करना है जहां पे ये फीचर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो शैल यूज सच अकाउंट सॉफ्टवेयर विच हैज फीचर ऑफ 1 रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग आप जब करते हो तो हर एक ट्रांजेक्शन का ऑडिट ट्रेल उसमें होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है वह वर्ड यूज के ऑडिट ट्रेल और हेडिंग में उसके ऑडिट ट्रेल है क्या, जाते हैं हम डेफिनेशन पे, विकिपीडिया के डेफिनेशन उसमें जाते हैं, फिर हम वापस आएंगे। तो विकिपीडिया पे जो डेफिनेशन अवेलेबल है उसमें ऐसा लिखा है कि ऑडिट ट्रेल ऑल्सो कॉल्ड एज ऑडिट लॉग द सिक्योरिटी रिलेवेंट क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड और डेस्टिनेशन एंड सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स दैट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट हैव अफेक्टेड
एट एनी टाइम और अ स्पेसिफिक ऑपरेशन प्रोसीजर इवेंट और डिवाइस. दूसरा है एन ऑडिट ट्रेल इज डिफाइंड एज अ स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल रिकॉर्ड विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू इट्स सोर्स. तो जब आपने सोर्स से लेके एंड तक जितने भी ट्रांजेक्शन हुए वो ट्रांजेक्शन कब हुए और किसने किए, उसके बाद क्या चेंज किया, कौन सी डेट पे चेंज किया, पहले क्या था बाद में क्या था, वो सबका जो सिक्वेंस है वो सब सिक्वेंस को जो मेंटेन करता है उसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल. अब हम वापस आते हैं तो फर्स्ट क्या बोला है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फीचर होना चाहिए क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडिट ट्रेल. तो हर एक सिक्वेंस रिकॉर्डिंग होना चाहिए. वन सेकंड थिंग क्रिएटिंग एन एडिट लॉग ऑफ ईच चेंज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलोंग विद द डेट व्हेन सच चेंजेस वर मेड. तो क्या बोल दिया कि ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना है बट उसमें एडिट लॉग भी होना चाहिए. तो कौन सी डेट पे चेंज हुआ, पहले क्या चेंज था, चेंजेस क्या था पहले, वो सब चीज इसके अंदर एडिट लॉग भी अवेलेबल होना चाहिए. एंड थर्ड एंश्योरिंग दैट द ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसएबल. ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. काफी सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रोविजन है कि ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है बट मैनेजमेंट कैन डिसएबल. अब ये सब करने के पीछे क्या है कि काफी टाइम मैनेजमेंट यूजेस द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग एज रिक्वायर्ड स्टॉक की फिगर्स है या देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच हैव बीन मॉडिफाइड विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर और विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टीज. तो उसको ट्रेस कैसे करना, क्या सही है क्या गलत है, अगर किसी ने कोई फिगर डाली है तो उसको चेंज किया है तो देयर हैज बीन लॉजिक बिहाइंड दैट. तो वो सबको ट्रेस करने के लिए ये सबसे बड़ा कंट्रोल पॉइंट है. इसे क्या होगा, एक लगाम आएगी मैनेजमेंट के ऊपर, बेसिकली जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस करने में कंट्रोल आ जाएगा. तो ये है जो अकाउंट्स में जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2021 से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें ऑडिट ट्रेल, एडिट लॉग और डिसेबल नहीं हो ऐसा ऑप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है. अब बात करते हैं कि ये तो हुआ कि अकाउंटेंट्स कंपनी के लिए, कंपनी को क्या करना है, और अब बात करते हैं ऑडिटर में क्या ऑब्लिगेशन है. तो ऑडिटर्स के लिए एक उसी डेट पे नया एक अमेंडमेंट आया, उसमें लिखा है कि कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स अमेंडमेंट रूल 2021. वहां पर रूल 11 अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, वहां पर क्लॉज जी एड किया है. वो ऐसा कहता है कि वेदर, नाउ दिस ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इटसेल्फ वेदर द कंपनी हैज यूज्ड सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट विच इज फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग फैसिलिटी. तो पहले ऑडिटर को चेक करना है कि उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर फीचर है कि नहीं, चेक करो. दूसरा एट द सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डिंग द सॉफ्टवेयर. तो अगर 1 अप्रैल 2021 से ये लागू किया है तो हर एक ट्रांजेक्शंस, जो भी ट्रांजेक्शन वो सब ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ इट वाज ऑपरेटिंग और या बीच में कहीं भी रुक गया था या लेट चालू किया था, तो वो सब इंफॉर्मेशन ऑडिटर को चेक करनी, रिपोर्ट करनी है. थर्ड द ऑडिट ट्रेल फीचर हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विथ. यहाँ पे मेरा रिजर्वेशन है कि ऑडिटर जो है दे आर प्राइमरली हैविंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड रेगुलेशंस एंड लॉस, दे मे नॉट बी हैव द रिक्विजिट स्किल्स ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल्स टू अंडरस्टैंड कि ये ऑडिट ट्रेल टेम्पर हुई कि नहीं हुई है. सो वेदर द जो ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एम्प्लॉय और टेक सर्विसेज ऑफ आईटी कंसल्टेंट, हाउ कैन ऑडिटर इंश्योर कि ये ऑडिट ट्रेल टेम्पर हुई कि नहीं हुई है. ये एक बहुत बड़ा चीज है जो जो अपने को सोचना पड़ेगा कि कैसे ऑडिटर कर पाएगा. एंड लास्ट द ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व बाय द कंपनी एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्डिनेशन. तो जिस तरीके से आप अकाउंट्स रखते हो, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड रखते हो, उसी तरीके से आपको ऑडिट ट्रेल को वो प्रिजर्व करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि बात गई और खत्म हो गया, एक साल हो गया ऑडिट ट्रेल था अभी खत्म हो गया. नहीं, आपको जिस तरीके से आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखते हो उसी तरीके से आपको ऑडिट ट्रेल भी रखना पड़ेगा. तो ये जो है, ये जो है ऑब्लिगेशन ऑडिटर के ऊपर है, ऑडिटर को चेक करना है कि ऑडिटर है कि नहीं है, द
दूसरा ये देखना है कि थ्रू आउट दियर है कि नहीं है, सब ट्रांजेक्शन के लिए है कि नहीं है। तीसरा उसको टेम्पर्ड मीन्स को चेंज नहीं किया है, उसको कई तरीके से ऊपर नीचे नहीं किया है। एंड फोर्थ, प्रिजर्व होना चाहिए फॉर द पीरियड विच इज रिक्वायर्ड। तो ये सब चीज ऑडिटर को चेक करके अपने ऑडिट रिपोर्ट डालनी है। तो ये जो हमने बात किया वहां पे बेसिकली अगर हम लास्ट में एक समराइज कर ले तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर ऑल कंपनीज, वाज एप्लीकेबल टू एवरी ईच एंड एवरी कंपनी। दे हैव आइडेंटिफाई अकाउंट सॉफ्टवेयर, अकाउंट सॉफ्टवेयर जो ऑडिट यूज करते हैं उनसे बात करो, उनसे बोलो कि ऑडिट ट्रेल जो है एज पर एमसीए रिक्वायरमेंट इज इट अवेलेबल नॉट अवेलेबल, एंड एज पर द ऑडिटर्स रिक्वायरमेंट इट शुड बी दैट थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम 1st अप्रैल ऑनवर्ड्स एवरी डे इट शुड बी डन। तो वो भी आपको इंश्योर करना है। तो दिन अभी काफी कम बाकी है, बट यस वी नीड टू स्टार्ट एंड एंश्योरिंग दैट द कंप्लायंस ऑफ द एमसीए रिक्वायरमेंट इज बीन डन। सो विद दिस थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम वॉचिंग फॉर दिस अपडेट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू राइट क्वेश्चंस, योर कमेंट्स, योर सजेशंस, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अपडेट्स। Thank you so much.